ओके गाइस, ओके है ना। थ्योरी व्योरी तो बहुत देख ली, अब थोड़ा इनपुट इनपुट लेके देखते हैं ग्राफ का, और प्रिंट करके देखते हैं ना, इनपुट आउटपुट करके देखते हैं ग्राफ पे, है ना, ये सब करते हैं। चलो तो ये मैंने क्लास बनाई हुई है, इसमें करते हैं। तो कैसा ग्राफ बनाए, लेट सपोज करो, चलो ये ग्राफ बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5, आई मीन 4। तो ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ बनाते हैं। चलो ठीक है, तो ये मेन में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको इनपुट चाहिए होगा, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा भाई, ऑब्जेक्ट तो बना लिया तुमने, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको इम्पोर्ट तो कर लो, है ना, जावा यूटिल से इम्पोर्ट तो कर लो। तो हमने इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पूछते हैं कि भाई बता दो, एंटर करो नंबर ऑफ वर्टेक्स, है ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स पूछ लेंगे, है ना। कितने वर्टेक्स है हमारे इस वाले ग्राफ में, कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है। चलो पूछ लेंगे हम, अपने पास इस वी वेरिएबल में पूछ के रख लेते हैं, है ना, हमने पूछ के इसमें रख लिया, है ना। अब जैसे वर्टेक्स पूछा, ऐसी एज भी पूछ लेते हैं। इस वाले केस में कितने एज है? 1 2 3 1 2 3 4 5 ही एज है ना। हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भी पूछ ही रख लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ एजेस भी पूछ लेते हैं, EDGES एजेस, और हमने इसको रख लिया। अब एक काम करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे? 2D एरे बना देंगे, है ना, ADJ मैट्रिक्स, है ना, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ADJ कह दिया। कितने साइज की होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स? जितनी वर्टेक्स होती है वी क्रॉस वी साइज की होती है ना। तो सो डेट हम उसमें बता पाए कि इस एज से लेके इस एज तक हमारा, आई मीन इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक एज है। तो हम वी क्रॉस वी साइज की, वर्टेक्स क्रॉस वर्टेक्स साइज की बना देंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब यूजर से पूछ लेंगे कि जितनी एजेस हैं हमें बता दे, हम अपने मैट्रिक्स में डाल लेते हैं, ठीक है। तो कितनी एजेस है? ई एजेस है ना। तो ई बार इन पूछेंगे यूजर से कि हमको बता दे कितने एज हैं यहां पे, है ना। यहां पे हम क्या लिख रहे होंगे, देखो यहां पे क्या करेंगे, हम इस केस में इस वाले ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, 5 वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स 5 है, एजेस भी 5 है, तो हम 5 वर्टेक्स है ना, तो वी क्रॉस वी साइज की बना देंगे। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4, 0 2 3 4, वी क्रॉस वी की क्या बना देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे। तो हमने ये बना दी। अब कितने एजेस हैं इसमें? 5 एजेस है ना। तो 5 बार पूछेंगे यूजर से कि मेरे को ये बता तू कि कहाँ कहाँ एज है। तो 0 1 के बीच में एज है, 0 1 के बीच में एज है। तो हम इससे पूछेंगे कि स्टार्टिंग वर्टेक्स बता दे, एंड वर्टेक्स बता दे। तो मैं स्टार्टिंग वर्टेक्स, लेट्स से 0, इनने बोला स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 है, एंड वर्टेक्स 1 है, तो मैं 0 1 के बीच में जाके यहाँ पे 1 लिख दूंगा, है ना। मैं बुलियन की जगह 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। 0 मतलब एज नहीं है, 1 मतलब एज है, ट्रू फॉल्स की जगह मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो जैसे इसने बोला ना स्टार्टिंग वर्टेक्स 0 है, एंड वर्टेक्स 1 है, तो मैं 0 1 और 1 0 के बीच में जाके यहाँ पे 1 1 कर दूंगा, क्योंकि हम 0 से 1 जा सकते हैं, तो 1 से 0 भी जा सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना। फिर हम पूछ, ये बोलेगा कि 1 2 के बीच में भी एज है, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स 1, एंड वर्टेक्स 2, तो 1 2 में जाके 1 लिख दूंगा, 2 1 में जाके 1 लिख दूंगा, है ना। ऐसे करके मैं अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो फटाफट से ये बनाते हैं। तो जितनी भी एजेस हैं, जितनी भी एजेस हैं, क्या चीज कर रहे होंगे, हम पूछ रहे होंगे कि स्टार्टिंग वर्टेक्स बता दे, स्टार्टिंग वर्टेक्स बता दे, है ना, और एंड वर्टेक्स बता दे, एंड वर्टेक्स बता दे। तो हम क्या कर रहे होंगे, एज बना देंगे। एज कैसे बनाएंगे? अपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे जाएंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे जाएंगे, और जहां स्टार्टिंग वर्टेक्स, सॉरी, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स के आगे जाके 1 लिख देंगे। 1 का मतलब यहां पे एज बन गया। प्लस अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स के बीच में एज है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो एंड वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स के बीच में भी होगा। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ तुम बनाओगे, तो ये वाली चीज को, सेकंड वाली इसको मत लिखना, सेकंड वाली को मत लिखना, हम अनडायरेक्टेड बना रहे हैं तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, इतना ही करना है ना। इतना ही करके हमने क्या कर लिया, हमने इनपुट ले लिया।
इतना काम करने से हमने क्या कर लिया, हमने अपना इनपुट ले लिया है ना, जितने एज होंगे कितनी एज है, 1 2 3 4 5, तो हम 0 1 के बीच में आ जाए, तो 1 2 के बीच में आ जाए, 2 3 के बीच में आ जाए, 3 4 के बीच में आ जाए, 4 0 के बीच में आ जाए, तो 0 1 1 0 के आगे जाके हम कर देंगे, 2 1 2 2 1 के आगे 1 लिख देंगे, 2 3 3 2 के आगे लिख देंगे, 3 4 4 3 0 4 4 0 के आगे जाके यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, और ऐसे करके हमने अपना इनपुट वाला काम तो कर दिया। अब बात आती है आउटपुट की, प्रिंट कैसे करेंगे हम ये वाला ग्राफ है ना, प्रिंट कैसे करेंगे, तो मैं रब कर देता हूं मैं इसको पहले। तो प्रिंट करने के लिए ना मैं एक प्रिंट फंक्शन बना लेता हूं, उसमें मैं अपना ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स डाल देता हूं और 0 डाल देता हूं स्टार्टिंग वर्टेक्स की, हमें 0 से प्रिंट करना है, लेट सपोज करो है ना, तो ये मैं प्रिंट फंक्शन बनाया, तो 0 से मतलब इस नोड से प्रिंट करना है, आप कुछ भी डाल सकते हो, अभी के लिए मैंने 0 डाल दिया, आगे आपको समझ में आएगा मैंने क्या कुछ भी कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये पब्लिक स्टैटिक कुछ रिटर्न टाइप तो होगा नहीं, और ये प्रिंट फंक्शन बना लेंगे जिसके पास हमारा ये 2D मैट्रिक्स होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इसके पास होगा ये स्टार्टिंग वर्टेक्स, ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स को है ना, स्टार्टिंग वर्टेक्स को प्रिंट कर देंगे, और क्या करेंगे, रिकर्सिवली उसके नेबर्स को या फिर उसकी एडजेसेंट नोड को प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ वर्टेक्स पूछ लेते हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की लेंथ ले लो, नंबर ऑफ वर्टेक्स ही होंगी वो है ना, क्योंकि वी क्रॉस वी साइज का ही था ना, तो वी ले लो तुम, ENGTH, ठीक है, लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद मैं लूप चलाऊंगा, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i less than v i++, मतलब सारी नोड्स पे, सारी वर्टेक्स पे जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी क्या एज है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है स्टार्टिंग वर्टेक्स और इस ith वर्टेक्स की, अगर ये 1 है, इफ ये वाली चीज इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसके रिकर्सिवली एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको प्रिंट कर दूंगा, तो मैं प्रिंट कर दूंगा, अगर ये इसके बीच में एज है, इस स्टार्टिंग वर्टेक्स और इस ith वर्टेक्स के बीच में एज है, यानी इसका एडजेसेंट है ये, तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, तो मैंने प्रिंट फंक्शन लगा दिया, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास कर दी इसमें और ये ith वर्टेक्स पास कर दिया, तो ऐसे करने से मैं रिकर्सिवली इसके प्रिंट कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है देखो, इसमें एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है इस तरीके से, अगर सपोज करो मैंने ना यहां पे था, ये मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास करी थी और मैं इस 0 नोड पे था, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मैंने 0 को प्रिंट कर दिया है ना, यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया, अब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जाके देख रहा हूं कि क्या मेरे आई चलाऊंगा मैं 0 1 2 3 4 तक है ना, 4 तक चलाऊंगा, अब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देख रहा हूं क्या 0 और 0 के बीच में एज है, 0 और 0 के बीच में तो कोई एज है नहीं है ना, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरी एज है 0 और 1 के बीच में, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में है ये, 0 1 के बीच में अगर 1 लिखा हुआ है या 1 0 के आगे 1 लिखा हुआ है तो एज है, तो यस इस केस में एज है, तो मैं देखो क्या करूंगा, मैं फिर इसको पास कर दूंगा रिकर्सिवली और मैं 1 को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, 1 को प्रिंट कर दूंगा, अब मैजिक देखना, 1 को प्रिंट कर दिया मैंने, अब जब मैंने 1 को प्रिंट कर दिया तो मेरा पॉइंटर आ जाएगा यहां पे है ना, यहां पे पॉइंटर आ जाएगा, तो जब मेरा पॉइंटर यहां पे आ गया ना, मैं फिर से अपनी एडजेसेंसी मैट्रिक्स से पूछूंगा क्या 1 और 0 के बीच में एज है, वो कहेगा हाँ यार 1 और 0 के बीच में एज है, तो फिर मैं अपने पॉइंटर को यहां ले जाऊंगा, 0 पे ले जाऊंगा, और मैं फिर 0 से पूछूंगा कि 0 के बीच में 0 0 के बीच में एज है, नहीं है, फिर मैं पूछूंगा 0 1 के बीच में एज है, हाँ जी है, तो मैं अपने पॉइंटर को यहां ले आऊंगा, फिर मैं 1 और 0 के बीच में एज पूछूंगा, नहीं है, मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं 0 और 1 के बीच में ही घूमता रहूंगा, पहले मैं 0 पे आऊंगा, फिर मैं 1 पे आऊंगा, फिर मैं 0 पे, फिर मैं 1 पे, 0 पे, 1 पे, और ये हमारा इनफाइनाइट चलता रहेगा, रिकर्सिव कोड यहीं पे उलझे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने एक बार 0 को प्रिंट कर लिया,
हमने एक बार जीरो को प्रिंट कर लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने उसका एडजेसेंस नोड जो है वो भी प्रिंट कर लिया, उसके बाद हम जीरो पे वापस क्यों जा रहे हैं? इस कोड के अकॉर्डिंग तो जा रहे हैं, पर हमें जाना नहीं चाहिए ना। हमने अगर इसको एक बार प्रिंट कर लिया, अगर हम इसको एक बार मार्क करके रख लें कि भाई तेरा हो गया है, अब मैं तेरे पे हूं, तो अगर तेरा ही एडजेसेंट है तो कोई नहीं भाई, हमने इसको प्रिंट कर दिया, अब तो अपने और बाकी के एडजेसेंट देख। तो इस चीज को करने के लिए हम इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी इस कोड में, अदरवाइज ये कोड ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें एक विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। मैं इसको रब कर दूं पहले थोड़ा। ओके गाइस, ओके, अब देखो जैसे हमने ना जीरो को प्रिंट कर दिया तो एक विजिटेड एरे बना लेंगे, विजिटेड एरे बना लेंगे, विजिटेड एरे ये हो गया विजिटेड, बुलियन टाइप का बना लेंगे, है ना, बुनियल टाइप का, किसी भी टाइप का बना लो। तो विजिटेड एरे में हम लिख देंगे, जैसे हमने जीरो को प्रिंट कर दिया ना, तो जीरो के आगे यहाँ पे ट्रू डाल देंगे कि भाई तू प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम जीरो को प्रिंट करने के बाद वन पे जाएंगे ना, तो वन कहेगा यार ठीक है मैं अपने एडजेसेंट वर्टेक्स देख लूँ और मेरा एडजेसेंट जीरो है। तो जैसे हम जीरो पे जाके पूछ बोलेगा ना कि मेरा एडजेसेंट जीरो है, हम कहेंगे ओए जीरो तो तूने ट्रू कर दिया, डेट मीन्स जीरो पे तू विजिटेड हो चुका है, एक बार विजिट हो चुका है, हमने जीरो प्रिंट कर दिया है। तो वन प्रिंट करने के बाद हम वापस से जीरो पे नहीं जाएंगे, हम कहेंगे इसके अलावा बता, ये तो हो गया है, इसके अलावा बता तेरा और कौन वर्टेक्स है, आई मीन और कौन से किसके साथ एज है। तो कहेगा यार अगर तुमने जीरो कर लिया है तो तुम अब टू के साथ देख सकते हो, तो मैं टू के साथ देख लूंगा, है ना, टू के साथ देख लूंगा। तो मैंने वन को प्रिंट कर दिया, वन के बाद मैं टू को प्रिंट कर दूंगा, ट्रू लगा दूंगा, ट्रू कहेगा कि यार मेरा एज वन के साथ है, हम कहेंगे यार वन के साथ तो हमने तेरा वन को हमने पहले विजिट कर लिया, इसके अलावा बता, तो इसके अलावा वो कहेगा वो मेरा थ्री के साथ भी है, थ्री के साथ देख लो। तो ठीक है हम टू को प्रिंट करेंगे और थ्री के आगे पहुंचेंगे और थ्री के आगे ट्रू कर देंगे, और ऐसे करके विजिटेड बना के हम जो इनफाइनाइट हमारा जो रिकर्सिव कोड चलता है उससे बच जाएंगे, क्योंकि हमने एक बार अगर उसे प्रिंट कर लिया तो यहाँ पे रिकर्सिवली आई मीन इस विजिटेड एरे में हम ट्रू डाल देंगे। तो बस ये विजिटेड एरे हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा सो डेट हमारा कोड इनफाइनाइट टाइम ना चले, है ना, एक को अगर हमने प्रिंट कर दिया तो उस पर दोबारा ना आए। तो देखो ये कैसे करेंगे, उसके लिए ना उसके लिए काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, प्रिंट की जगह ना प्रिंट हेल्पर कहते हैं, हेल्पर हेल्पर है तू, है ना, हेल्पर है, प्रिंट अपना एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, है ना, वॉइड, इसके पास भी ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ रही होगी और स्टार्टिंग वर्टेक्स आ रहा होगा, लेट्स से एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ रही है, स्टार्टिंग वर्टेक्स आ रहा है। हम यहाँ पे एक ना एक काम करते हैं, एक बुलियन टाइप का विजिटेड विजिटेड एरे बना लेते हैं, है ना, सॉरी बुलियन टाइप का विजिटेड एरे बना लिया। लेंथ क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल, है ना, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है, वी है हमारी नंबर ऑफ वर्टेक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स डॉट लेंथ के इक्वल, है ना, हमने बना ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो हम फोर लूप लगाएंगे, नहीं फोर लूप नहीं लगाएंगे, हम ना एक काम करेंगे, ये प्रिंट फंक्शन अब यहां से पास कर देंगे, है ना, प्रिंट फंक्शन यहां से पास कर देंगे, इस प्रिंट फंक्शन को आई मीन प्रिंट हेल्पर, प्रिंट नहीं, प्रिंट हेल्पर को यहां से कॉल करेंगे, और अब इसको ओनली एडजेसेंसी मैट्रिक्स देंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देंगे, साथ साथ हम इसको ये स्टार्टिंग वर्टेक्स भी देंगे, बट अब हम इसको एक विजिटेड एरे भी देंगे कि मार्क करने के लिए, भाई एक बार अगर तू इस पे पहुंच गया तो दोबारा मत जा, ठीक है, दोबारा जाएगा तो इनफाइनाइट टाइम तेरा चलता रहेगा कोड, है ना। तो हम यहाँ पे एक विजिटेड टाइप का आर्ग्यूमेंट और ले लेते हैं, बुलियन विजिटेड, ठीक है, ले लिया, यहाँ पे भी ये विजिटेड पास कर दो। तो जैसे ही हम प्रिंट कर लेंगे ना, हम विजिटेड विजिटेड में इसको मार्क कर लेंगे कि भाई ये वाला तो हो गया स्टार्टिंग वर्टेक्स, दोबारा आए तो इसको बोल देना भाई यहाँ मत आओ, ये तो हो गया है। तो अब अगर मेरे स्टार्टिंग वर्टेक्स और आईएथ वर्टेक्स के बीच में एज है तो यहाँ पे वन लिखा होगा, तो क्या मैं उसे प्रिंट कर देना चाहिए, जीरो के बाद वन, वन के बाद जीरो कर देना चाहिए, नहीं, स्टार्टिंग वर्टेक्स और आई के बीच में एज भी होनी चाहिए एंड एंड वो विजिटेड भी नहीं होना चाहिए ना, विजिटेड भी स्टार्टिंग वर्टेक्स आई मीन विजिटेड ऑफ आई भी जो है वो फॉल्स होना चाहिए। अगर वो एज भी है स्टार्टिंग वर्टेक्स और आई एथ वर्टेक्स के बीच में एंड वो विजिटेड भी नहीं है, मुझे तभी उसको प्रिंट करना चाहिए, तभी मुझे उसे प्रिंट करना चाहिए, यहां पर प्रिंट भी लिख दूं, प्रिंट, ठीक है, तभी मुझे उसको प्रिंट करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एक कोड बनके रेडी हो गया है, कोड बनके रेडी हो गया है ना। चलो तो फटाफट से रन करके देख लेते हैं इसको, फटाफट से रन करके देख लेते हैं इसको। तो चलो भाई रन करते हैं, ये वाला जो है ड्रॉ करते हैं, ये वाला ड्रॉ करते हैं, है ना, चलो इसको इधर खिसका लेते हैं, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
0, 1, 2, 3, 4 तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्टेक्स है भाई, एंटर करने के लिए बोला है ना, 5 वर्टेक्स है। कितनी एज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पांच ही एज है भाई, 5 एज है। कौन कौन सी एज है, 0, 1 के बीच में एज है, और किसके बीच में एज है, 1, 2 के बीच में एज है, और 2, 3 के बीच में एज है, 3, 4 के बीच में एज है, 4, 0 के बीच में आ जाए। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ना, हमारा ग्राफ प्रिंट होना चाहिए, देखते हैं होता ही नहीं होता। देखो हो गया प्रिंट, है ना, पहले इसने किसको प्रिंट करा, 0 को, है ना, 0 के बाद किसको करा, 1 को, 1 के बाद किसको करा, 2 को, 2 के बाद किसको करा, 3 को, और 3 के बाद 4 को, है ना। ये हमारा हो गया है ग्राफ प्रिंट, बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो यहां मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, फिर आपको प्रॉब्लम समझाता हूं इस कोड में क्या है। ओके, तो ये वाला ग्राफ तो बढ़िया काम करेगा अगर हमारा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, एक सिंगल ग्राफ है, पर इसमें एक से एक ही कंपोनेंट है तो अच्छा काम करेगा, पर एक से ज्यादा कंपोनेंट हुए तो कैसे काम करेगा। 0, 1, 2, 3, 4 को तो प्रिंट कर देगा, बट अगर इसी कोड में अगर ये 5 और 6 भी पड़ा हुआ है एक यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट, तो ये इसको तो प्रिंट कर देगा पर इसको नहीं कर पाएगा, यहां पर रुक जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहां पे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहां पे हमें एक फोर लूप लगानी पड़ेगी, एक बार इसने इस कंपोनेंट को प्रिंट कर दिया, ये वाला फंक्शन सिर्फ एक कंपोनेंट को प्रिंट करने के लिए है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई बुलियन जो तुम्हारा विजिटेड एरे है इसमें कोई सा फॉल्स पड़ा हुआ है, कोई अनविजिटेड पड़ा हुआ है। अगर कोई अनविजिटेड पड़ा हुआ है तो भाई वो कोई डिफरेंट कंपोनेंट है, उसको भी तुम प्रिंट करो यूजिंग दिस प्रिंट हेल्पर फंक्शन। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट फंक्शन में मॉडिफिकेशन करेंगे। देखो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, एक काम करते हैं, उस मॉडिफिकेशन से पहले यहां पे प्रिंट को स्टार्टिंग वर्टेक्स देने की जरूरत नहीं है ना, स्टार्टिंग वर्टेक्स देने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्टिंग वर्टेक्स हटा देते हैं। देखो उसके बिना भी काम चल जाएगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स हम इस प्रिंट हेल्पर फंक्शन को देंगे कि यहां से शुरू कर। वो स्टार्टिंग वर्टेक्स पता है क्या होगा, स्टार्टिंग वर्टेक्स देखो क्या होगा, हम एक फोर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस। हम देखेंगे कि अगर विजिटेड नहीं है ये आईएथ वर्टेक्स, विजिटेड नहीं है ये आईएथ वर्टेक्स, डेट मीन्स यहाँ पे फॉल्स रहा होगा, तो भाई तुम पास कर दो इस वाली वर्टेक्स का कोई कंपोनेंट, ये इस वाली ये वर्टेक्स जिस कंपोनेंट में है वो प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसको तुम प्रिंट कर दो यूजिंग दिस प्रिंट हेल्पर फंक्शन, और इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स ये आईएथ वर्टेक्स दे दो, और इससे तुम ना ये वाला ग्राफ भी जो है प्रिंट कर पाओगे, है ना, ये वाला ग्राफ भी प्रिंट कर पाओगे। देखो पहले 0 को प्रिंट करेगा, 1 को, 2 को, 3 को, मैं यहां लिख देता हूं वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो हमारा ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 0 को प्रिंट करके ट्रू कर देगा, ट्रू 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 ट्रू, यहां पे फिर वापस आ जाएगा, है ना, करके वापस आ जाएगा, जब i इक्वल टू 0 यहां पे होगा ना तो ये करके वापस आ जाएगा, फिर आई इक्वल टू 1 होगा, आई इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे ट्रू पड़ा हुआ है कुछ नहीं होगा, आई इक्वल टू 2 पे यहाँ पे ट्रू पड़ा हुआ है कुछ नहीं होगा, 3 के लिए ट्रू पड़ा हुआ है कुछ नहीं होगा, 4 के लिए ट्रू पड़ा हुआ है कुछ नहीं होगा, 5 के लिए फॉल्स पड़ा हुआ है। तो फिर ये फिर से इस प्रिंट हेल्पर फंक्शन को प्रिंट करेगा, तो इस वाले कंपोनेंट को प्रिंट करने के बाद अभी ये 5 पे जाएगा, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देगा, फिर इसको ट्रू कर देगा, प्रिंट करके ट्रू कर देगा, और फिर अब वापस आएगा, फिर ये कहेगा 5 के बाद जाएगा 6 पे, यहाँ पे ट्रू पड़ा हुआ और यहाँ पे वापस निकल जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको सक्सेसफुली प्रिंट कर चुके होंगे, मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ, है ना, प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। ये तो मैंने कर दिया ये रन, ये कर दिया हमने रन, इसको रब कर लूँ पहले अच्छे से थोड़ा सा। ओके गाइस, ओके देखो नंबर ऑफ वर्टेक्स इस केस में कितनी, इस ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्टेक्स है, 7 वर्टेक्स है। कितने एज है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 एज है, ये वाले कंपोनेंट का 1 एज, इस कंपोनेंट के 5, टोटल 6 एज है भाई हमारे पास। ठीक है, किस किस के बीच में एज है, 0, 1 के बीच में एज है, 1, 2 के बीच में एज है, 2, 3 के बीच में आ जाए, 3, 4 के बीच में आ जाए, 4, 0 के बीच में आ जाए, 5, 6 के बीच में आ जाए। जैसे मैं एंटर करूंगा प्रिंट फंक्शन आ जाएगा हमारा, देखो प्रिंट होगा इसके बाद। ओहो कुछ दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई देखते हैं। ओके सो क्या दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, अच्छा हम यहाँ पे लगाना भूल गए, एक सेकेंड यहाँ पे इसको लगा दिया। ठीक है, अब आई थिंक चलना चाहिए, दोबारा से रन करते हैं। कितने वर्टेक्स हैं भाई, 7 वर्टेक्स हैं, 6 एज हैं, 0, 1 के बीच में है, 1, 2 के बीच में एज है, 2, 3 के बीच में एज है, 3, 4 के बीच में एज है, 4, 0 के बीच में एज है, एंड 5 और 6 के बीच में एज है। जैसे एंटर करूंगा अब भाई प्रिंट हो जाए अच्छे से, और ये देखो हमारा मस्त जाके प्रिंट हो गया है। कैसे प्रिंट करा है इसने, पहले 0 को,
देन वन को, देन टू को, यहाँ पे टू था, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स। तो इस तरह की प्रिंटिंग को पहले इसने जीरो के बाद इसको प्रिंट करा, फिर इसने अपने एडजेसेंट को प्रिंट करा, इसने अपने एडजेसेंट को प्रिंट करा, इसने अपने, फिर दूसरे कंपोनेंट में गया, इसने ऐसे ऐसे। इस तरीके की प्रिंटिंग को, इस तरीके की ट्रैवर्सल को डीएफएस कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, है ना। डेप्थ फर्स्ट मतलब एक के एक ही डायरेक्शन में चले चले जाता है, एक ही डायरेक्शन में चले चले जाता है ना। थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा वियर्ड है प्रिंट करने में। जैसे हमारे ट्री में होता है ना प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ऐसी इसमें आई है, रिकर्सिवली चले जाते हैं नीचे जाके। और फिर हमारे पास इससे अच्छा एक और तरीका है, या अच्छा तो नहीं कहूंगा, एक डिफरेंट तरीका है कि अगर जीरो के बाद तुमको पहले वन प्रिंट करना हो, फोर, देन टू, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर सिक्स, ऐसे प्रिंट करना हो, तो इसको कहते हैं बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि डीएफएस क्या होता है, कि इसने इसके नेबर को प्रिंट करा, उसके बाद इसने अपने नेबर को प्रिंट करा बजाय इसको प्रिंट करने के। तो डेप्थ में जाते गए, डेप्थ में जाते गए ना, ऐसे जाते गए, एक ही डायरेक्शन में चले चले गए, तो इसको डीएफएस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीएफएस क्या होता है और उसका कोड भी अच्छे से। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।